नमस्कार दोस्तों, द एंड्रॉइड गाइड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीमेल के बारे में। सो अगर आपके पास एक जीमेल का अकाउंट है और आप जीमेल यूज करते हैं और उससे बहुत सारे एक्सेस देते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स एप्स पे, तो एप्स और वेबसाइट्स पे जब एक्सेस देते हैं अपने जीमेल का, तो उसमें डेटा ब्रिच का जो मीन्स खतरा बना रहता है, वो मैं उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। का जो बैंक का आईडी है मीन्स बैंक का जो पूरा डिटेल है या बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके जीमेल पे सेव होते हैं, सो उनके लिए उसके लिए आपको पता करना है कि आपका डेटा ब्रिच हुआ या नहीं, या कौन कौन से वेबसाइट और कंपनीज जहां जहां आप लॉगिन किए हैं सो उनमें से कोई वेबसाइट आपका डेटा ब्रिच किया या नहीं, या कोई ऐप जो है जिसमें आप लॉगिन किए हैं जीमेल से वो ऐप आपका डेटा जो है वो सिक्योर रख रहा है या नहीं, उसको आप वो यूज तो नहीं कर रहे हैं, वो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा। सो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पता कर पाएंगे कि आपका डेटा जो है वो जीमेल का ब्रिच हुआ या नहीं। सो उसके लिए एक वेबसाइट है, बहुत ही ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है जिसको पुलिस और अधिकारी लोग यूज करते हैं। सो वही वेबसाइट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें आपको बस जीमेल डालना है, उसका पासवर्ड नहीं डालना है, और बस जीमेल डालते के साथ ही आपको एंटर करना है, और एंटर करने के साथ आपको बता देगा नीचे पूरा डिटेल कि कब कब और कितनी बार और कौन कौन से डेट में आपका जो वेबसाइट है वो ब्रिच हुआ है, मीन्स आपका जो जीमेल है वो ब्रिच हुआ है, और ये भी बताएगा कि कौन से डेट में हुआ है और कौन कौन सी कंपनीज है जो जो आपका डेटा जो है वो ब्रिच किया है। और उसके बाद आपको जीमेल पे जाना है, और जीमेल पे जाने के बाद उस कंपनी को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद उसको ब्लॉक करना है, क्योंकि हो सके तो वो जब भी उसको काम पड़े या कुछ भी उसको डेटा चाहिए होगा तो आपके अकाउंट से वो बार बार आपका डेटा जो है वो कलेक्ट करता रहेगा। तो उसके लिए आप उस चैनल को सीधे सीधे अनसब्सक्राइब नहीं तो ब्लॉक करें अपने जीमेल में जाके। तो ब्लॉक करने का भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको उस वेबसाइट पे वर्क करना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है, और क्रोम ओपन करने के बाद सर्च बार पे जाना है, और यहाँ पे लिखना है PWNED। सो इसके लिखने के बाद आपको इंटर करना है। सो जैसे ही इंटर कीजिएगा तो फर्स्ट जो आता है आई हैव बिन प्यून्ड, तो ये इस पर आपको जाना है, और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस डालने के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं आएगा, तो ईमेल एड्रेस मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा एक ईमेल आईडी है जिसमें दो बार वो उसमें डेटा जो है वो ब्रिच हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उस ईमेल आईडी को डाल करके कैसे आपको नीचे पूरा डिटेल दे देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं दो बार मेरा डेटा जो है वो ब्रिच किया गया है, और यहाँ पे रेड कलर का पूरा नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं दो बार मेरा डेटा जो है वो ब्रिच किया गया है, ये एक बार ये कंपनी है वो कैनवा कंपनी, और एक बार IEM, ये दोनों कंपनी मेरा डेटा जो है वो ब्रिच किया है दो बार। सो डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 को ये हुआ है, और ये कंपनी जो है वो 2019 मीन्स ये रिसेंटली जो है वो किया गया है। सो इन दोनों को मैं गया और इन दोनों को मैंने जीमेल पे सर्च किया, ये नाम से सीधे इस नेम से आप इसको सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद इसका कोई भी एक मैसेज आया या मेल आया होगा आपके जीमेल पे, वहाँ पे जाइए और राइट क्लिक कीजिए, और या मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो जीमेल पे जाए हम, सो जीमेल पे जाना है, और यहाँ पे ये जो कंपनी है इसको आपको सर्च करना है, मैंने इसको ब्लॉक पहले ही कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको करना होगा। ये इसको आप कैंसिल कीजिए, ये देखिए ये आया। सो इसमें आपको जाना है, यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ पे आपको जाना है, और ये जो अनब्लॉक है ये यहाँ पे देखिए मैं इसको अनब्लॉक करता हूँ एक बार, और यहीं पर जाना है, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर जाकर इसको ब्लॉक कर देना है। सो ये जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, और उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएगा, आपकी जीमेल पे ब्रिज नहीं कर पाएगा। और एक और काम आपको करना होगा कि एक अच्छा सा पासवर्ड आपको अपने जीमेल पे रखना होगा, और टू वे वेरिफिकेशन कर दीजिए कि जब भी आप अपना जीमेल लॉगिन करें कहीं भी, तो एक और वेरिफिकेशन जो है वो आपके फ़ोन में है कि ये आप ही लॉगिन कर रहे हैं, तो उसके लिए टू वे वेरिफिकेशन रखिए, अपने फ़ोन नंबर को भी ऐड कीजिए अपने जीमेल से, ताकि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रह सके, और आपके साथ कोई अजीबोगरीब घटना जो है वो नहीं घट पाए। सो क्योंकि बहुत सारे जो बैंक डिटेल्स है ये सब जो है वो जीमेल पे भी सेव रहता है, तो वो सब डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए आप ये काम करें। सो पता करने के लिए आप देख सकते हैं ये जो अकाउंट, ये जो वेबसाइट है, इसका जो
लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों कंपनीज जो है वो मेरा जो डेटा है वो ब्रिच किया है, एक बार 2018 में फरवरी के और एक बार मई 2019 को। सो ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक एंड सिक्योर भी है, और ये पुलिस अधिकारी लोग जो है वो यूज़ करते हैं, तो उन्हीं से मुझे पता चला है ये। सो बहुत ही बेहतरीन है ये वेबसाइट, और ये डेटा आपका ब्रिज नहीं करेगा, और इसमें आपको लॉगिन का भी ऑप्शन नहीं रहता है, मीन्स आप पासवर्ड नहीं मांगता है, सिर्फ जीमेल मांगता है आपका, जो जीमेल है वो आप डालिए इसमें और आप चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।